हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। कैसे हैं आप सभी? अगर आपके भी मुख्यमंत्री लाडी बहन योजना फॉर्म में प्रॉब्लम आ रही है, आपने यहां पर इसको फिल करा हुआ है लेकिन अभी तक यह पेंडिंग में दिखा रहा है, तो आप कैसे अपनी इस प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे और कब तक ये समस्या सोल्व होगी और ये समस्या आ क्यों रही है, आज की इस वीडियो में आप सभी को बताऊंगा। अगर आप में से किसी ने अभी तक फॉर्म फिल नहीं करा है तो आप जाकर फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके लिए एलिजिबल हर कोई है। यहाँ पर आपको 1500 रुपये महीना मिलते हैं, आप जाकर जो है कर सकते हैं फॉर्म फिल। यह सरकार की एक नई योजना है जो कि यहाँ पर आम लोग इसका जो है यहाँ पर फायदा उठाएंगे। अब जैसे कि आप जानते हैं कि नारी शक्ति दूत एप्लीकेशन है, यहाँ पर आके आपने फॉर्म इसमें सबमिट करा हुआ है। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि आप क्या क्या गलती कर सकते हैं, तो आप लोगों ने अगर वह चीज़ भी सही कर ली है और अब भी यह प्रॉब्लम आ रही है, तो अब कैसे आप इस समस्या को सोल्व करेंगे, चलिए आज की इस वीडियो में जान लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को बता देना चाहूंगा, यह एक सरकारी स्कीम है और जैसे आप सभी जानते हैं जो भी सरकारी स्कीम रहती है या जो भी प्रोसीजर रहता है वह बहुत लंबा चलता है। लंबा चलने के इसमें दो कारण होते हैं। पहला कारण यह होता है कि काफी ज्यादा लोग यहाँ पर इसको अप्लाई करते हैं, यानी कि बहुत ज्यादा लोग इसको जो है अप्लाई करेंगे। उसके साथ साथ यहाँ पर जो स्टाफ मेंबर रहते हैं, ऐसा देखा गया है कि जो सरकारी जो यहाँ पर ऑफिस रहते हैं, जो दफ्तर रहते हैं, यहाँ पर जो स्टाफ लोग रहते हैं वह एक तरीके से ज़्यादा एक्टिव नहीं होते हैं, तो इस तरह से यहाँ पर जो पेंडिंग रहती है वो लंबे टाइम तक चल जाती है। मैं आपको इसका एक उदाहरण दे सकता हूँ, जैसे कि अभी BSNL की सिम में आप इम्पोर्ट करवाने जा रहे होंगे, या अभी जैसे कि आप जानते हैं कि एयरटेल के जियो के जो है यहाँ पर रिचार्ज बढ़ चुके हैं, तो लोग यहाँ पर BSNL की सिम में पोर्ट करवा रहे हैं। अब इसके पीछे का एक काला सच मैं आपको आज की इस वीडियो में बताना चाहूंगा, वह यह है कि अगर आप प्राइवेट कंपनी जैसे कि वोडाफोन हो गया, एयरटेल हो गया, या फिर यहाँ पर आपका जो है जियो हो गया, उसमें अगर आप पोर्ट करवाते हैं तो मात्र आपके 24 घंटे के अंदर आपका काम हो जाता है, सिम भी आपके पास मिल जाती है। लेकिन यहाँ पर BSNL में काफी सारे लोग ऐसे हैं जिनके 2-2 हफ्ते निकल जाते हैं, 5 दिन कम से कम यहाँ पर टाइम देते हैं। आप कुछ सोचिए कि यहाँ पर एक सिम के लिए 5 दिन तक ये लंबा खींचते हैं, तो यहाँ पर आप कैसे सोच सकते हैं कि जो ये आपका फॉर्म है जिसमें कि इतने सारे लोग यहाँ पर जो है फॉर्म फिल करेंगे और इसमें पैसे भी आपको जो है नहीं लग रहे, क्योंकि BSNL की सिम निकलवाने में पैसे लगते हैं, थोड़ा बहुत लगते हैं लेकिन लगते हैं, लेकिन इस फॉर्म में यहाँ पर बिल्कुल मुफ्त में है और यहाँ पर लोगों को फायदा होगा लंबे टाइम तक, तो लोग इसमें ज्यादा यहाँ पर जो है अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं और लोग ज्यादा इसमें जो है फॉर्म फिल करेंगे। तो आप खुद सोचिए कि सबके फॉर्म 1 by 1 ये चेक करते हैं, एक एक करके यहाँ पर ये चेक करते हैं, डिटेल्स को वेरीफाई करते हैं, लंबा प्रोसीजर जाता है। तो अगर आपका ये एक तरीके से लक की बात होती है, अगर पहला नंबर आपका आ जाता है तो आपका पहला हो जाएगा, लेकिन अगर आपका नंबर नहीं आता है तो आपको ज्यादा लंबे टाइम तक भी रुकना पड़ सकता है। इसके साथ साथ मैं आपको इनका एक कस्टमर सर्विस का नंबर देना चाहूंगा, वह नंबर पर आप जो है जरूर संपर्क कीजिएगा और यह नंबर आपको इनके जो एप्लीकेशन है नारी शक्ति दूत वाला जो एप्लीकेशन है उसमें भी आपको वह नंबर मिल जाता है। तो उस नंबर पर आप जो है एक बार कॉल करके और यहाँ से अपना एक बार डिटेल्स बताकर उनसे संपर्क करने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर आप देखेंगे हेल्पलाइन नंबर मैं आपको बता रहा हूँ, आप सब यहाँ पर देख लेंगे, स्क्रीनशॉट आपको दिखा दूंगा, या फिर आप नारी शक्ति दूत में जो एप्लीकेशन है इसमें आकर भी देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका जो है ये हेल्पलाइन नंबर मिल जाता है। यहाँ जब आप अपने प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ये हेल्पलाइन नंबर दिख जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कि शुरू होता है 907585 से शुरू होता है और यहाँ पर आप इसको जो है चेकआउट कर सकते हैं, यहाँ पर आप जो है फोन कर सकते हैं। तो इनको आप अपनी समस्या बताएंगे और यह समस्या बताने के बाद तो ऐसा होता है कि अगर आप किसी को अपने इन दफ्तर में या फिर सरकारी जो आपके दफ्तर रहते हैं इनमें अगर किसी को अपनी समस्या बता देते हैं तो ये आपकी ज्यादा पहले करने की कोशिश कर लेते हैं। तो इस तरह से आप ट्राई कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऐसी ही वीडियो आपके लिए हम लेकर आते रहते हैं। अगर कोई और भी आपको समस्या है तो प्लीज कमेंट में लिखिए, आपको इसी के ऊपर जो है सॉल्यूशन मिल जाएगा।